मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। अभिमानी बन के रहना है, ले लो मुरली गुणों का गहना है, आत्मअभिमानी बन के रहना है। ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। समान तुम्हें बनना है, आत्मअभिमानी बन के रहना है। ज्ञान गंगाए ब्रह्मा ने उतारी, ज्ञान गंगाए ब्रह्मा ने उतारी है, ये पावन ब्रह्मा सम्मान तुम्हें रहना है, आत्मअभिमानी बन के रहना है। कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया, लोहे को करती सोना है, आत्मअभिमानी बन के रहना है। आत्मराधा जीवन में लाए, आत्मराधा जीवन में लाए, लाखों कंसों कृष्ण बनाए, लाखों कंसों को कृष्ण बनाए। दिल की धड़कन में इसको रखना है, अति इंद्रिय सुख में रहना है। शिव ब्रह्मा सम्मान तुम्हें रहना है, ये मुरली गुणों का गहना है।
ओम शांति। 27-8-20 के महावाक्य बाणेगा मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेशालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेशाओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, जो किसी भी कारण से मुरली माना पढ़ाई मिस करते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते हैं, कोई कोई बहाना बना करके घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियां बताते हैं, सुनेंगे नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन ही भुला देती है, बागते कभी याद ही नहीं करते, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं, भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अदम ते अदम जो भी विषाएँ हैं, भागते बुरे लोग हैं, उनकी सर्विस करनी चाहिए। गुस्सा करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, है ना, भागते कोई भी है ना, तो भागते उनको क्या करो, ज्ञान दो, समझाओ, सर्विस करो, कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। शाहूकार लोग नहीं बन सकते, जो जानते हैं पढ़े लिखे हैं वे प्रबंध करेंगे, उनको ज्ञान देने का तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वे भी अबलाए हैं, उनको तुम समझा सकते हो। बाबा कहते युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं, बोलो तुम ही ऊंच से ऊंच नीच से नीच बनी हो, तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है, कि भारत कैसे कीर्ति कला में आया, फिर तुम शिवालय में जा सकते हो। ये पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना बुरा काम करते हो, अब ये छोड़ो। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, ऐसा समझाने से वे बहुत खुश होंगे ना, तुमको कोई रोक नहीं सकते हैं, ये तो अच्छी बात है, गरीबों का है ही भगवान ना। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उनका जैसे धंधा चलता, अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस कर, सर्विस को वृद्धि को कैसे पाएं। कई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे ना। बाबा कहते रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने ये कहा ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं हैं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं, बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय, कभी क्या राय देते रहते, मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे, ऐसे बहुत हैं, कारण कारण अकारण बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देंगे, सो जाएंगे ना। बाबा कहते अरे बाबा ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे ना। फिर ये तो है पढ़ाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं, उनमें उद्देश्य आदि कुछ नहीं है ना। तो बाबा कहते इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है, तो तुम बच्चों को ऐसे सर्विस करने चाहिए। कई कहते ना बाबा ये बुरा इंसान है, इसने नहीं सुधरना, इसने नहीं चलना है, तो बाबा कहते नहीं उसका भी कल्याण करना है ना। शाहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे से आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, देवी मान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो। ये पढ़ाई है ना, पाई पैसे की शरीर निर्वाह अर्थ, ये तो है ही 21 जन्मों के लिए,
कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले, उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। शाहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। बाबा कहते वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो थोड़े, कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ जट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं ना। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं, बागदी यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो बचाने के लिए है ना। बाबा कहते विकारों से जुड़ने से बच जाएंगे, ज्ञान चिता पर बैठ पद्म भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। बाबा कहते हैं तो कहते हैं क्या करे, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं, शादी ना कराना कायदे के बर खिलाफ है ना। लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है। बाबा कहते भक्ति मार में गाते हैं ना, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत है ना, फिर मेल में नंबर वन भक्तन मीरा है ना, मेल्स में नारद गाया हुआ है, नारद की कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो कि मैं लायक हूँ। पवित्र सरगुण संपन्न हो, ये तो विकारी पति दुनिया है ना, बाप आए हैं उनसे निकाल हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए, पावन बनाने के लिए। पावन बनो तो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे ना, पावन ही नहीं बनेंगे तो बाबा कहते लक्ष्मी को वरने लायक नहीं बन सकते। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर के विकार में गिरते हैं। ऐसे से समाचार आते हैं, बाबा कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए हैं। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाबा कहते भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो ये विकार छोड़ो। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म ही नाश हो जाए, कितना सहज है ना। परंतु कोई बिल्कुल समझते ही नहीं है, खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मुँह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है, 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर नहीं छोड़ते हैं। समझते ही नहीं है कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है ये सब नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं तो याद किसको करें। बाबा कहते ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते, सो भी 21 जन्मों के लिए, इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने समझाया ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको घर जाना है, घर बस यही तात रहे, वहाँ क्रिमिनल बात होती नहीं है ना, मतलब बुरी बात कोई होती नहीं है। बाप आकर के उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। बाप कहते पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्र तो बनना पड़ेगा ना। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा करके ले जाते हैं। तो बाप कहते कोई कैसा भी इंसान हो, कैसा भी हो, उसका कल्याण करना ही है, इसमें बहादुरी दिखानी है। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टाप हो जाते हैं पढ़े लिखे, यहाँ तो कोई गरीब साधारण है
उनको बाप बैड इतना ऊँच उठाते हैं, चलन भी बड़ी रोल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं ना। या तो बाप गरीब निवास है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं, एक दो रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते तुम हो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। ये भी कोई नई बात नहीं है, साक्षी हो ड्रामा देखते हो। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरी यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा, स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा ना, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। बाबा आजकल रोज बच्चों को समझाते हैं ना, बच्चे क्या करो, याद में रहो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जा कर के पढ़ते हैं ना। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा विनाशी हो, ये ज्ञान एक ही बार मिलता है। फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को मिलता ही नहीं है, तुमको ही मिलता है, हम आत्मा हैं, ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलते हैं, बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे, बस अंदर रटते रहो तो बहुत कल्याण हो जा सकता है, परंतु चार्ट रखते नहीं है, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं हम आत्मा सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान होगी, अब फिर क्या बनना है, सतो प्रधान बनना है ना। अब तमो प्रधान बनी हूँ, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे, कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाह मिलेगी, बाप को याद करने से आधा गलब के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बताती है, सब बच्चे सुन रहे हैं ना, ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाएगा। परंतु भूल जाते हैं, बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ। बाबा को याद करना है, बीमारी में भी याद कर सकते हो, बंधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करते रहो। बाबा कहते 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है, जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। बाबा बच्चों को फिर याद दिला रहे हैं कि बच्चे एकांत में बैठकर फिर बाबा को याद करो, पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है, क्या नहीं करना है, रूठना नहीं है ना, बहानेबाजी नहीं मारनी है ना। तो बाबा कहते पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है, बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए मोह की रगे तोड़ देनी है, वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। तो बाबा कहते अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी, कोई कैसा भी बुरे से बुरा इंसान आना
तो भगत उसका भी कल्याण करना है, बाबा का परिचय जरूर देना है, संदेश जरूर देना है ना। वरदान दिया बाबा ने हम बच्चों को, वरदान दे रहे बाबा। ब्रह्मा बासमान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर वन फरिश्ता सो विश्व महाराजन भाव। ब्रह्मा बासमान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर वन फरिश्ता सो विश्व महाराजन भाव। नंबर वन फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम में पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित हो। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया अर्थात नंबर वन संपूर्ण फरिश्ता और नंबर वन विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी वे सर्वश त्यागी होंगे, संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं इसलिए क्या करो, एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। भागवत किसी और को आधार नहीं बनाना है। फिर बाबा ने कहा जो संस्कार रूपी विकार है उनका भी त्याग करना है, और त्याग करेंगे तो भाग्य बनेगा ना, त्याग नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा। फिर बाबा कहते अपने चलन भी बहुत अच्छी रखनी है, बस अब घर जाना है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है, एकांत में बैठकर पढ़ाई भी पढ़नी है और पढ़ाई का शौक भी रखना है, पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। आज हम सारा दिन इस बात का अभ्यास करेंगे, पढ़ाई का चिंतन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। खजाने मिले
उसके ही ध्यान से मिला वरदान हमें शिव भगवान से खुशनुमा हुए हम उसकी मुस्कान से दिल से सच्चे सत्कार में फरिश्ते बन रहे हैं रूहानी ज्ञान से मिला वरदान हमें शिव भगवान उसकी मुस्कान से मिला वरदान हमें शिव भगवान।